बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दुआ टीवी पिछलवन में आप सबका खुश आमदीद। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई मर्द ख्वाब में किसी मर्द रिश्तेदार या गैर रिश्तेदार से मुबाशरत जिना या लवातत वगैरह करे तो इसकी ताबीर क्या है। इस वीडियो के लिए एक भाई ने कमेंट भी किया है, तो ये वीडियोस भाई के लिए भी हैं और आपके लिए भी मुफीद साबित हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों, उस ख्वाब की ताबीर जानते हैं। लेकिन ख्वाब की ताबीर जानने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल दुआ टीवी ऑफिशियल 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो पहुँच सके। तो अब चलो दोस्तों, ख्वाब की ताबीर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपने या किसी ने भी ख्वाब में किसी मर्द गैर रिश्तेदार से लवातत या जिना या मुबाशरत किया हो तो उसकी ताबीर मंदरजा ज़ैल है। अगर वो शख्स आपका मुखालिफ, मुकाबिल या दुश्मन हो और आपने उससे ख्वाब में लवातत किया हो तो उसकी ताबीर ये है कि आप उस दुश्मन पर या मुकाबिल मुखालिफ पर गलबा पाएंगे। और आप अगर गैर रिश्तेदार बच्चे से जिना ख्वाब में करें तो उसकी ताबीर ये है कि आप कोई नापसंदीदा काम करेंगे। अब अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसने अपने रिश्तेदार से ख्वाब में मुबाशरत जिना या लवातत किया हो तो उसकी ताबीर ये है कि आपसे उस शख्स को नफा पहुँचेंगी या आप उस शख्स को ज़िंदगी में कभी न कभी फ़ायदा देंगे। तो इसकी तबीर बुरा नहीं है। लेकिन दोस्तों, बाज़ किताबों में इसकी और भी ताबीरें हैं जो कि बुरी है। तो आप सदका भी दे और अगर किसी ने वो बुरी ताबीर नहीं बताई हो तो ये ताबीर आप उठालें और ये ताबीर निकाले तो ये ताबीर आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो बस आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगर आपको कोई भी दुआ या कोई भी ताबीर चाहिए तो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए वो ताबीर और वो दुआ लाएंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।